बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहां भी हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो मैंने एक दो वीडियोस पहले बनाए थे, तो हम लोगों ने बांग्लादेश पे वीडियो बनाया एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट मालदीव्स, यू नो, जो सारा ड्रामा वहां चल रहा था, मैं थोड़ा बहुत उस पर देखा था, मगर आई डिडंट रियली नो कि क्या हो रहा था। आई जस्ट व्हाटएवर। तो मैंने कहा यार अब इसमें घुसे हैं तो इसका भी देख ही लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये है निकिता ठाकुर है, इनका चैनल है, इनका वीडियो है, ये मालदीव्स के पीछे क्या कहानी है ये हमें बताएंगी। और मैंने अभी तक देखा नहीं है वीडियो, तो आई एम प्रीटी श्योर इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट वीडियो बिकॉज़ इट हैज़ अ लॉट ऑफ व्यूज। सो इस वीडियो को हम साथ में देखते हैं, मगर वीडियो में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी शेयर करके आओ, फिर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मालदीव्स ने इंडियंस का इंसल्ट किया और हम सब ने एक होकर मालदीव्स को बॉयकॉट कर दिया। इससे उनको इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा कि उन्होंने तुरंत हमसे माफी मांगी, लेकिन द जस्टिस इज स्टिल नॉट सर्व्ड। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर आई एम श्योर आपका मालदीव्स को लेकर पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। हमें दो ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट्स मिली है जो ये वैसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलूंगी, मालदीव्स इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी मेरा तो हमेशा से ख्वाब रहा है कि मैं वहां जाऊं, विजिट करूं। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, नो डिनाइंग इट कि वो इतनी खूबसूरत जगह है, मगर उसका भी सत्यानाश कर देंगे ये लोग, कोई बात नहीं, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। क्लेम कर रही है कि इंडिया में दो बार 26/11 जैसे अटैक्स होने वाले थे जिसके पीछे हाथ था कुछ मालदीवियन टेररिस्ट का, बट फॉर्चुनेटली उसे सही टाइम पर रोक दिया था। इसके अलावा भी इंडिया की ऑफिशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स के हिसाब से मालदीव लश्कर-ए-तैयबा जैसे एक एंटी इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया हब बनते जा रहा है। सो माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, उनके माफी मांगने के बाद भी कैन वी रियली ट्रस्ट मालदीव? एक्चुअली हम टूरिस्ट को प्राइवेट सी प्लेन्स में डायरेक्टली मालदीव्स के रिसोर्ट तक लेके जाया जाता है, जिस वजह से हमें उस देश की बाकी की सच्चाई दिखती नहीं है। हमें लगता है कि मालदीव्स तो एक काफी लिबरल देश है जहां पर लड़कियां सेफली बिकिनी पहन सकती है, लोग अल्कोहल कंज्यूम कर सकते, पार्टी कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्ट तक ही सीमित है। रिसोर्ट के बाहर निकलते ही ये सब कुछ ऑलमोस्ट इलीगल हो जाता है, क्योंकि बाकी के मालदीव्स में शरिया कानून लागू है। और इसीलिए ही आपको कई सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहाँ गलती से टूरिस्ट मालदीव्स में। हाय मैंने तो इतनी ब्लास्फेमी कर ली है, मैं तो कभी मालदीव जा ही नहीं सकती। हाय मुझे तो एयरपोर्ट पे ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे। हाय 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 हाय, मेरा जो है ना ख्वाब वो ठर्श करके टूट गया इस वक्त ये बात सुन के, पूरी कंट्री में शरिया। हाय हाय हाय, मैं मातम मनाऊ। वैसे भी मैंने देखो काला कपड़ा मेरे ख्याल से इसी वजह से पहना हुआ था कि ये न्यूज मुझको पता चलनी थी। यार ये क्या है, मालदीव वापस आओ इन लोगों से, यार कोई कब्जा करो, आज आकर इंडिया आप ले लो मालदीव को, इतनी खूबसूरत जगह जाहिलों के हाथ में दे दिए, पता नहीं पैसे कैसे कमा रही है उससे, इतनी अकल कहाँ से आ गई। हमारे पाकिस्तानी में तो अकल है नहीं, वरना ये भी क्या कहते हैं अपने नॉर्दर्न पार्ट जो है सवात वैली हुंजा वैली उससे पैसे कमा रहे होते। चले आगे सुनते, इंटीरियर्स में चले गए और उन्हें अरेस्ट तक कर दिया गया था, लेकिन आई एम 101% श्योर हम इंडियंस इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन पूछूं, क्या आप जानते हो कि मालदीव्स एक टाइम पर एक बुद्धिस्ट कंट्री था? यस, इसीलिए आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि बुद्धिज्म से टेररिज्म का ये ट्रांसफॉर्मेशन मालदीव्स में आया कैसे। आज मालदीव्स की ग्राउंड रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान और सीरिया से भी ज्यादा पर कैपिटा टेररिस्ट मालदीव्स प्रोड्यूस कर रहा है, अफगानिस्तान और सीरिया से भी ज्यादा। Just let that sink in. इसीलिए हमने डिटेल में कवर किया है कि मालदीव में ये एंटी इंडिया टेररिज्म कैसे ग्रो हो रहा है, ये ऑपरेट कैसे होता है, एंड फाइनली इस वीडियो के बाद आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि मालदीव के माफी मांगने के बाद भी क्या हम इंडियंस को इन्हें माफ कर देना चाहिए या नहीं। So, जैसे मैंने कहा हमें दो ऐसे रिपोर्ट्स मिली है जो ये क्लेम कर रही है कि इंडिया में दो बार 26/11 जैसे टेरर अटैक्स होने वाले थे जिसकी प्लानिंग में कुछ मालदीवियंस का एक बहुत बड़ा हाथ था, बट फॉर्चुनेटली इसे रोक दिया गया।
ये दोनों भी रिपोर्ट्स एक्सट्रीमली क्रेडिबल है, क्योंकि एक तो खुद मालदीव्स की गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट है जो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हुई थी, और दूसरी है इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट जो रेडिफ में पब्लिश हुई थी। सबसे पहले मालदीवियन गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट देखते हैं। नवंबर 2013 में मालदीवियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बहुत ही वाइटल इंफॉर्मेशन शेयर की। इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन में उनकी गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने अपने ही देश के 8 सिटीजन्स को अरेस्ट किया है जो सी रूट से इंडिया जाने वाले थे, क्योंकि उनका प्लान था इंडिया के किसी एक सदर्न सिटी पर एक बड़ा अटैक प्लान करना। इस अच्छा, आई डोंट नो, मे बी इन द वीडियो ये बताएंगी आगे जाकर, मगर मैं आई एम क्यूरियस टू नो कि मालदीव्स की गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेसी है वहां पर, यू नो, वैसे तो क्या शरिया लॉ है, आई मीन आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, आई होप कि ये क्लियर अप करें, अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वहां पर गवर्नमेंट कैसी है। पूरे अटैक के पीछे पाकिस्तान के एलईडी यानी लश्कर-ए-तैयबा का भी हाथ था। इनफैक्ट इन 8 मालदीवियंस में से 3 तो खुद एलईडी से ही पाकिस्तान में ट्रेन होकर आए थे। ये बात थी 2013 के एक अटैक प्लानिंग की जो अपॉर्चुनिटी रोक दिया गया। लेकिन अब बात करते हैं इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की दूसरी रिपोर्ट की जो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है। सो 2011 यानी ये जो 2013 का अटैक अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, उसके ठीक 2 साल पहले आईबी की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें उन्होंने ये रिवील किया कि एक काफी बड़ा एंटी इंडिया टेरर नेक्सस मालदीव से ऑपरेट हो रहा था। सो उस रिपोर्ट के हिसाब से मालदीव में 2007 में सुल्तान पार्क में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। अब ऑफ कोर्स ये ब्लास्ट तो हुआ मालदीव में था, लेकिन इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को पहली बार इसी ब्लास्ट में कुछ क्लूज मिले कि मालदीव से भी इंडिया में टेररिज्म फैलाया जा रहा है, जिस पर फिर उन्होंने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया और उन्हें काफी शॉकिंग फैक्ट्स मिले। नाउ वो ब्लास्ट में क्या क्लू मिले और डिटेल इन्वेस्टिगेशन से क्या इन्फॉर्मेशन अनकवर हुआ, उसके डिटेल्स में जाने से पहले, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम ये समझ रहे थे कि जब मालदीव्स में ही खुद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तब हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो को वहां पे क्या क्लूज मिले। सो जब उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें ये पता चला कि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी मालदीव्स में कई सारे टेरर मॉड्यूल्स फॉर्म कर लिए हैं ताकि वो इंडिया में टेररिज्म फैला सके। नाउ इस मॉड्यूल का छोटे छोटे ग्रुप्स जिसे ऑपरेशन के सारे ऑर्डर्स पाकिस्तान में सिचुएटेड हेडक्वार्टर से ही मिलेंगे। मॉड्यूल में आप समझ लो 2 से लेकर कितने भी टेररिस्ट मिलकर एक मॉड्यूल फॉर्म कर सकते हैं। ऐसे में एट अ टाइम मल्टीपल मॉड्यूल्स यूजुअली ऑपरेशन होते हैं जो सब लोग साथ में मिलकर एक ही प्रोजेक्ट में काम करते हैं, ताकि अगर एक दो मॉड्यूल्स बस्ट भी हो जाए, पकड़े भी जाए, तो बाकी एक्टिव रहे और प्लान इनफैक्ट सक्सेसफुल हो। उसी आईबी की रिपोर्ट में ये भी पता चला कि मालदीव्स में ये जो मॉड्यूल्स ऑपरेट कर रहे थे ना, वो नंबर्स में भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे थे। और सबसे ज्यादा डेंजरस बात ये है कि ये सारे मॉड्यूल्स आइडियोलॉजिकली तो काफी रेडिकल थे ही, लेकिन ये इंडिया में एक सी बोर्न अटैक लॉन्च कर सकते थे जो एक्चुअली इंडिया के लिए फाइट बैक करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऑल्सो फॉर्चुनेटली आईबी की इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने एक मालदीवियन टेररिस्ट आसिफ इब्राहिम को भी केरला में पकड़ लिया। फॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि उससे उनको काफी सारे इनसाइडर डिटेल्स मिल गए। एंड केरला में स्पेसिफिकली ये मालदीवियन इसलिए पकड़ा गया क्योंकि मालदीव से सी रूट से केरला पहुंचना काफी इजी होता है। देखो, आसिफ मालदीव से आया कोई नॉर्मल टूरिस्ट नहीं था, बल्कि केरला में वो लश्कर ए तैयबा का एक की ऑपरेटिव था। उसने इंटरोगेशन में ये रिवील किया कि लश्कर ने अपना एक शैडो आउटफिट बनाया हुआ है जिसका नाम है जमात ए मुस्लिमीन, जो मालदीव्स और इंडिया के बीच ऑपरेशनल ब्रिज का काम करता है। यानी जो भी यहाँ पे टारगेट्स डिसाइड होते हैं, जो भी अटैक्स डिसाइड होते हैं, उस सबकी प्लानिंग ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। आसिफ से ये भी बात मालूम पड़े कि इंडिया में स्पेसिफिकली केरला में ये एक्टिविटी ज्यादा होते हैं। वाओ, यानी इतने डिसिप्लिन से, इतनी प्लानिंग से सारी चीजें कर रहे हैं। ओ भाई, किसी पॉजिटिव चीज के लिए कर लेते और पाकिस्तानी पीछे पड़े हुए कोई चीज, यानी मेरी तो समझ में नहीं आता पाकिस्तान कहां से कहां निकल जाता अगर इन चीजों को ना पॉजिटिव चीजों में लगाया होता आप लोगों ने अपना पैसा, बजाय इसकी कि टेररिज्म फैलाओ पूरी दुनिया में। सीरियसली, इतना दिमाग, इतना कुछ, सब कुछ जाया, एवरीथिंग, पैसे वगैरह सब कुछ जाया। क्योंकि जो भी ऑपरेशंस, मेजॉरिटी ऑपरेशंस मालदीव में हो रहे होते हैं, उनको फंडिंग हवाला सिस्टम के थ्रू केरला से ही मिल रही थी। उस रिपोर्ट में यह भी क्लियरली मेंशन था कि एलईडी अब पाकिस्तान से अपना बेस शिफ्ट कर अपना नया बेस मालदीव्स बनाना चाहता है, और ये कर पाने के लिए उन्हें इंडिया में बेस्ड अपने टेरर मॉड्यूल्स की काफी जरूरत पड़ेगी। स्पेशली ऑल आईज आर ऑन तिरुवनंतपुरम, क्योंकि वहां ऑलरेडी जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। सो ये थी हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो की डिटेल्ड रिपोर्ट। लेकिन इस समय सबसे अनफॉर्चुनेट बात बताऊं, मालदीव से हो रहा ये पूरा टेररिज्म इंडिया इजीली रोक सकता है, क्योंकि इस टेररिज्म फैलाने के पीछे इंडिया के ही एक पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हाथ है, और वो पॉलिसी है इंडिया की 90 डेज वीजा फ्री पॉलिसी। यस,
टेररिस्ट ने खुद ही ये खुला एक्सेप्ट किया है कि इस पॉलिसी की वजह से हम इजीली इंडिया घुस जाते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं पड़ती है। इसीलिए आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को इस पर जरूर कुछ एक्शन लेना चाहिए। स्पेशल यार ये क्या बात है, 90 डे फ्री वीजा, यानी अगर मैं मालदीव से पैदा हुई होती तो मुझे फ्री वीजा दे दिया होता, मैं पाकिस्तान से पैदा हुई हूँ तो मेरे को वीजा नहीं मिलता यार, व्हाट इज दिस, ये क्या बात है, नहीं सीरियसली ये क्या है, सीरियस 90 डेज। मालदीव जैसे देश के साथ तो ये कंपैरेटिवली इजियर होना चाहिए क्योंकि ये देश इकोनॉमिकली हम पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अभी जिस कुछ दिन पहले हम इंडियंस एक हुए और हमने मालदीव्स के खिलाफ सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाज उठाया और मालदीव्स को इसका हैवी इंपैक्ट पड़ा, मालदीव्स ने माफी तक मांगी। एंड दूसरी बात, ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बढ़ते ही जाएगी जब तक इस पर कोई सलूशन नहीं निकलता, क्योंकि आज मालदीव्स एक ऐसा नेशन बन चुका है जहां पर हर 1500 लोगों में से एक आदमी ISIS ज्वाइन करता है। आज मालदीव्स में एक्सट्रीमिज्म इतना बढ़ चुका है कि ये वीडियो देखिए। The director of the National Museum says a group of men forced their way in and smashed more than 20 ancient artifacts. The display stands are all that remain. The items destroyed include one of a kind Buddha statues from the 12th century before Islam came to the island. ये वीडियो है जून 2022 का, जब मालदीव्स में इंडियन एम्बेसी इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन उस सेलिब्रेशन पर एक मॉब ने अटैक कर दिया ये कहते हुए कि योगा ब्लास्फेमी है। आज मालदीव्स की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मालदीव्स के ये एक्सट्रीमिस्ट को खुद अपने ही देश की हिस्ट्री भी एक्सेप्टेड नहीं है। 2012 में एक एक्सट्रीमिस्ट मॉब ने मालदीव्स के नेशनल म्यूजियम में घुसकर 12th सेंचुरी के पहले के सारे आर्टिफैक्ट्स को चकनाचूर कर दिया। नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्सट्रीमिस्ट ने गौतम बुद्ध के स्टैचूज को तोड़ तोड़ कर उसका पाउडर बना दिया। अब आप मुझे बताओ, क्या ये सिर्फ इंडियंस के लिए थ्रेट है? क्या ये वहाँ के आम मालदीवियन जिनका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है उनके लिए मेजर थ्रेट नहीं है? एक सिंपल सी बात बताओ, क्या मेजोरिटी मालदीवियंस को टेररिज्म से कोई फर्क भी पड़ता है? ज्यादातर मालदीवियंस तो इतने अवेयर ही नहीं होंगे, इतने एजुकेटेड ही नहीं होंगे कि उनके देश में चल क्या रहा है, हमें ये तो नहीं पता था अभी तक। और इसीलिए मेरे हिसाब से इन चीजों पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप एक इनका हिस्ट्री देखो तो ये टेररिज्म, ये एक्सट्रीमिज्म मालदीव में सिर्फ इवॉल्व ही होते आया है। इनफैक्ट ये आपको बेटर समझेगा जब हम बुद्धिज्म टेररिज्म का ये ट्रांजिशन मालदीव्स में कैसे आया इसके पीछे की स्टोरी डिस्कस करेंगे, जो एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। सो हुआ ये था कि 12th सेंचुरी में मालदीव्स में इस्लाम ने बुद्धिज्म को रिप्लेस करके अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। अब क्योंकि मालदीव्स पहले एक बुद्धिस्ट कंट्री था, इसके लिए वो लोग स्टार्टिंग में काफी सॉफ्ट सुन्नी इस्लाम प्रैक्टिस करते थे, लेकिन इनमें जो एक्सट्रीमिज्म की जर्नी शुरू हुई ना वो 1970s और 1980s के बीच में स्टार्ट हुई, जब देश में सऊदी इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया। सो मालदीव्स इस्लाम में कन्वर्ट होने के पहले लगभग 1400 सालों तक बुद्धिस्ट किंगडम था, लेकिन 10th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स का मालदीव्स आना स्टार्ट हो गया। इन अरब ट्रेडर्स ने मालदीवियन सोसाइटी को कल्चरली और रिलीजियसली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया। ये इन्फ्लुएंस इतना प्रोमिनेंट था कि 1153 में तब के बुद्धिस्ट किंग, यस, जो वहां पे सिटिंग किंग थे, उन्होंने तक इस्लाम कबूल लिया था, जिसके बाद उन्होंने एक मुस्लिम टाइटल को भी एक्सेप्ट करते हुए अपना नाम सुल्तान मोहम्मद अल अदल रख लिया। सो इस तरह से 12th सेंचुरी में मालदीव्स ऑफिशियली बुद्धिज्म से इस्लाम में तो कन्वर्ट हो गया, बट तब से लेकर मॉडर्न टाइम्स में प्रेसिडेंट इब्राहिम नसीर तक, यानी कि 1978 तक, मालदीवियंस एक काफी सॉफ्ट इस्लाम प्रैक्टिस करते थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया मोमून अब्दुल गयूम के बाद से, जो 1978 से 2008 तक मालदीव्स के प्रेसिडेंट थे, क्योंकि इनके टेन्योर में बहुत ज्यादा पाकिस्तान और सऊदी का इन्फ्लुएंस मालदीव्स में बढ़ने लग गया, जिसके बाद इन्होंने काफी सारे पॉलिसीज में भी चेंजेस करने शुरू कर दिए। बेसिकली प्रेसिडेंट गयूम का जन्म मालदीव्स में नहीं बल्कि इजिप्ट में हुआ था और उनकी एजुकेशन भी इजिप्ट के ही अल अजहर यूनिवर्सिटी में हुई थी, जो यूनिवर्सिटी अपने रेडिकल टीचिंग्स के लिए काफी ज्यादा इनफेमस है। प्रेसिडेंट गयूम ने बेसिकली मालदीवियन सोसाइटी में तीन मेजर चेंजेस किए। पहला, सऊदी से मालदीव्स के मदरसों को फंडिंग आने शुरू हो गई। इससे हुआ ये कि मालदीव्स में जो सॉफ्ट इस्लाम प्रैक्टिस हो रहा था वो हटकर अभी सऊदी का वहाबिज्म का जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस होने लग गया। एंड ये बात खुद मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद ने भी एक्सेप्ट की है। दूसरा चेंज था, मालदीवियन स्टूडेंट्स ने पहली बार पाकिस्तान, इजिप्ट और सऊदी के मदरसों में पढ़ाई करने के लिए जाना शुरू कर दिया। ये दोनों चीजें लगभग 70s में स्टार्ट हो गई थी। एंड फाइनली तीसरा शिफ्ट था पॉलिसी शिफ्ट, जो 1994 में हुआ, जब गयूम ने देश में प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस यूनिटी एक्ट नाम का एक एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट ने बेसिकली सुन्नी इस्लाम को मालदीवियंस की जनता पर इम्पोज कर दिया। वहां पर रिलीजियस फ्रीडम भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होने लग गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, तीन
साल बाद 1997 में कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करते हुए ये प्रोविजन ऐड कर दिया गया कि अब सिर्फ मुस्लिम्स ही मालदीव के सिटीजन हो सकते हैं और किसी भी दूसरे रिलीजन को पब्लिक प्लेसेस पर प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। यानी कि 1997 के पहले सपोज करो कि वहाँ इंडिया की तरह पब्लिक प्लेस पर भी गणपति पंडाल लग सकता था, लेकिन 1997 के बाद इन प्रैक्टिसेस पर एक कंप्लीट बैन लगा दिया गया। लेकिन एक्चुअली ना यहाँ तक भी बात उतनी नहीं बिगड़ी थी। मालदीव में रेडिकलिज्म को आग की तरह फैलने का मौका मिला 2004 में, जब मालदीव के इतिहास का सबसे बड़ा सुनामी आया। सो देखो 2004 के पहले साल 1997 तक मालदीव के कई रेडिकल्स जो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और इजिप्ट के मदरसों से पढ़कर वापस अपने देश आ गए थे, वो ऑलरेडी इस रेडिकलाइजेशन को फैलाने की कोशिश अपने देश में कर रहे थे। लेकिन उनका ये प्लान उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था क्योंकि पिछले 30 सालों से मालदीव के ऑटोक्रेटिक लीडर थे अब्दुल गयूम, जैसे हमने डिस्कस किया, और वो ना इस रेडिकल आइडियोलॉजी को राइज होने का मौका नहीं देना चाहते थे। लेकिन जैसे मैंने कहा 2004 का वो सुनामी इनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया क्योंकि इस सुनामी ने मालदीव के 1190 आइलैंड में से सिर्फ 9 आइलैंड्स को छोड़कर बाकी मालदीव को पूरी तरह से डुबा दिया। आप बस सोचो कि इस सुनामी की वजह से सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरे देश की 62% जीडीपी एक झटके में खत्म हो गई। ऐसे में जाहिर है इस नेचुरल डिजास्टर में पूरी तरह बर्बाद हुए मालदीव में एक और बड़ा प्रॉब्लम आ गया था, फूड शॉर्टेज का। लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए खिदमत एक खल्क नाम की एक एनजीओ लोगों के लिए एक लाइफ सेवर बनकर आ गई। इस एनजीओ ने फूड, इमरजेंसी मेडिसिन जैसी कुछ नेसेसरी चीजों को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। अब इस वजह से ऑफकोर्स हुआ ये कि मालदीव की जनता में इस एनजीओ के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया। लेकिन इस एनजीओ की सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये एनजीओ एक्चुअली इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हफीज सईद और लश्कर ए तैयबा की ही एक सो कॉल्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये चैरिटी नाम करके लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के बाद इस एनजीओ ने एक पॉलिटिकल टर्न लेना चालू कर दिया, यानी जनता को अपने साइड लेकर ये धीरे धीरे मालदीव ने अपना प्रोपोगंडा फैलाने लग गई। इन्होंने ही फिर आगे जाकर काफी रेडिकल डिमांड्स भी रखना शुरू कर दिया, जैसे कि पूरे मालदीव में शरिया कानून इंप्लीमेंट हो जाए और अल्कोहल भी बैन हो जाए, ये मुद्दा भी इन्होंने रेस करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट आगे 2006 में तो इस एनजीओ ने दो पॉलिटिकल पार्टीज, जमहूरी पार्टी और अदालत पार्टी भी लॉन्च कर दी, जिससे वहां की गवर्नमेंट पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ने लग गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वहां पर 30 सालों तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर अब्दुल गयूम की सरकार थी, तो उन्होंने तुरंत सारे डिमांड्स को खारिज कर दिया। लेकिन क्या ये रेडिकल्स चुप बैठने वाले थे? नहीं ना। सो इन्होंने पॉलिटिशियंस को डराने धमकाने के लिए 2007 में मालदीव के इतिहास का फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट, सुल्तान पाक बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम दे दिया। तो अगेन एक मेजर टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इस एक इंसिडेंट ने मालदीव को एक्सट्रीमिज्म से अब टेररिज्म की तरफ ढकेल दिया। क्योंकि बात यह थी कि यहाँ पे मालदीव के रेडिकल्स अकेले नहीं थे, यहाँ पे मालदीव में रेडिकलाइजेशन फैलाने के पीछे मेजर हाथ था फॉरेन सपोर्ट का। इनफैक्ट खुद मालदीव के प्रेसिडेंट अब्दुल गयूम ने भी कई बार ओपनली एक्सेप्ट किया था कि मालदीव में टेररिज्म फैलाने के पीछे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। फिर बस ये ब्लास्ट के सब्सिक्वेंट ईयर्स में धीरे धीरे इन रेडिकल पार्टीज का मालदीव में इन्फ्लुएंस बढ़ता गया और इसके बाद तो 2008 में गयूम खुद इलेक्शन हार गए और पावर में आई मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लीडर थे मोहम्मद नशीद, ये देश के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि पार्टी सिर्फ 5 साल पुरानी थी एंड आइडियली इसका मालदीव पे इतना होल्ड नहीं था। तो आखिर ये पार्टी जीती कैसे? वेल, क्योंकि कुछ रेडिकल पार्टीज जैसे कि अदालत पार्टी, जुमरी पार्टी, जो जैसे हमने बताया था कि ये एनजीओ से ही निकली थी दो पार्टीज, और इस्लामिक डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे कुछ छोटे बट इन्फ्लुएंशियल एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज ने मिलकर इस पार्टी को सपोर्ट किया और मोहम्मद नशीद को अपना प्रेसिडेंट बना दिया। अब इसके बदले में फेवर रिटर्न करने के लिए मोहम्मद नशीद ने अदालत पार्टी को एक पावरफुल इस्लामिक मिनिस्ट्री कम्प्लीटली उनके हाथों में रख दी। सो अब आप समझ गए होंगे, बस यहीं से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को गवर्नमेंट और बाकी पॉलिटिकल स्फीयर में एक स्पेस मिलना शुरू हो गया। अब जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमिज्म केवल इंडिया को ही हार्म कर रहा है, इनफैक्ट इसके मेजर विक्टिम्स तो मालदीवियंस खुद ही हैं। अगर आप IDSA की इस ऑफिशियल रिपोर्ट को देखोगे तो शायद ही ऐसा कोई साल होगा जब मालदीव्स में एक टेरर या एक्सट्रीमिस्ट अटैक ना हुआ हो। एंड भूलो मत, मालदीव्स की इकोनॉमी कंप्लीटली टूरिज्म पर ही डिपेंडेंट है, बट अगर कंट्री में सेफ्टी इश्यूज रहेंगे, टेररिज्म फैलेगा, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? वहां की आम जनता जो कंप्लीटली टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, उनका पेट कैसे पलेगा? इसीलिए अब मेरा सिंपल सवाल है, देखो टेररिज्म का ये केस कोई नया नहीं है, इंडिया में बॉयकॉट मालदीव्स का ये ट्रेंड आज चल रहा है, कल को एक साल बाद मैक्सिमम लोग इसको भूल जाएंगे और मालदीव में वापस से इंडियन टूरिज्म बढ़ जाएगा। लेकिन मालदीव में तो टेररिज्म हमारे बॉयकॉट से कई सालों से पहले से ही चल रहा है, मगर इसके बावजूद हम इंडियंस ने कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया।
सवाल ही नहीं पूछा। इनफैक्ट आज भी जो इंडियंस मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं वो इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि मालदीव्स हमारे यहाँ पे टेररिज्म फैला रहा है। मैक्सिमम लोगों को तो इसके बारे में जीरो आइडिया है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हम मालदीव्स को एक लिबरल एक प्रो इंडिया देश समझते हैं, जबकि हम इंडियंस का माइट ऑलरेडी देख चुके हैं। मालदीव्स ने सिर्फ एंटी इंडिया ट्वीट्स क्या कर दिए, हमारा इंसल्ट क्या कर दिया, पूरे देश ने एक होकर उन्हें बॉयकॉट कर दिया। तो अब मुझे बताओ, इंडिया के ही टूरिज्म से कमाना लेकिन इंडिया के ही अगेंस्ट टेररिज्म फैलाना, ये इंडियंस का इंसल्ट नहीं है? सो मेरा सवाल एकदम सिंपल है, जब तक हम इंडियंस मालदीव्स में बढ़ रहे इस एंटी इंडिया टेररिज्म को क्वेश्चन नहीं करते उनकी सरकार से भी और हमारी खुद की सरकार से भी, क्या तब तक वाकई में ये इशू फिक्स होने वाला है? क्या आपके हिसाब से ये इशू फिक्स होगा? सो अगेन, आज का भी टेक होम मैसेज मेरी लास्ट वीडियो की तरह ही एकदम सिंपल है, किसी के भी खिलाफ, आम मालदीवियंस के खिलाफ, कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन के खिलाफ हेट नहीं फैलाना है। हर चीज ब्लैक या वाइट नहीं होती है, देयर आर मल्टीपल शेड्स ऑफ ग्रेज। सारे मालदीवियंस ऐसे नहीं है, ऑफ कोर्स ही बात है, हमें हेट नहीं फैलाना है, लेकिन सिर्फ हमें इंडियंस के खिलाफ हो रहे इस इनजस्टिस के ऊपर सवाल उठाने हैं। #हैशटैग सवाल उठाओ, हेट मत फैलाओ, क्योंकि मेरे हिसाब से मालदीव्स के माफी मांगने के बाद भी Justice is still not so. Ooh. Oh my God. Okay. तो मैं क्या क्या बोलूँ इसमें? देखो, मैं भी जब मैंने भी मालदीव्स के बारे में जानना शुरू किया था तो मैं भी यही देखती थी कि वहां पे रिसोर्ट्स हैं, लोग फन के लिए जाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, दारू चल रही है, ये है वो। सना खान भी तो होकर आई थी अपने मौलवी हस्बैंड के साथ, वो भी तो मालदीव्स गई थी अपने हनीमून मनाने के लिए, राइट? सो एनीवेज, हमारे दिमाग में ना एक वो चीज बन जाती है कि भाई यू नो एक मुल्क ऐसा है उसको दिखाया जाता है, राइट? वो एडवर्टाइज, ये थोड़ी एडवर्टाइज करेंगे मालदीव आइए, यहाँ पर हमारे पास टेररिस्ट हैं और ये वो ऑफ कोर्स वो अच्छी चीजें दिखाएंगे, यू नो। मगर देखिए, मैं किस तरह इसको लफ्जों में रखूं कि देखिए, इन्होंने दिखाया कि मालदीव में 1997 से वो कह रही है कि थोड़ा सा चेंज आया, 2000 फॉरवर्ड चेंज आया, व्हाटएवर, व्हेन जो इनकी यू नो हुकूमत बदली, ये चीज हम देखते आ रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान का भी यही हाल हुआ था, अफगानिस्तान का भी यही हुआ, यू नो ईरान का भी यही हुआ, एक कोई पागल दिमाग वाला सर फिरा आया और उसने आगे शरिया लॉ लाके सबके ऊपर थोप दिया। मगर इन्होंने ये भी मेंशन किया कि वहां पर बुद्ध थे, बुद्ध तोड़े गए, यू नो, और चीजों को डिस्ट्रॉय किया, दूसरे रिलीजन अपने प्रैक्टिस नहीं कर सकती हैं। सो आई नो लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं किसी भी रिलीजन को या लोगों को, और नहीं करना चाहिए, आई गेस सबको एक आंख से नहीं देखना चाहिए, मैं भी नहीं देखती हूँ, मगर हम आइडियोलॉजीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और अगर उस आइडियोलॉजी को अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें, और एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है, एक चीज जो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसको आप एक दफा पकड़े गए, पकड़ा गया स्कूल के बाहर बच्चों को ताड़ रहा था, राइट? दूसरी दफा पकड़ा गया बच्चों को ताड़ देती सिर, तो एक ट्रेंड दिख गया आपको कि भाई वो बंदा जो है वो खिसका हुआ है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो बच्चों के छोटे बच्चों की तरफ जाता है, तो हमको ये चीज समझ में आ जाती है। अगर आप इसी तरह से इस्लाम की हिस्ट्री में जाते हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम, जहां मक्का बना हुआ है उसके अंदर जो थे पहले बुत होते थे, जो पेगन्स वगैरह थे वो वहां पे वर्शिप करते थे, तो सबसे पहले जाकर वो बुत तोड़े गए थे। उसके बाद आप हिस्ट्री में देखो तो कितने आर्टिफैक्ट्स हैं जिन लोगों ने डिस्ट्रॉय किए हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाके उन्होंने बुत तोड़े हैं। ये तो अभी शायद जो बचे हुए थे, बचे कुचे थे, वही तोड़े होंगे, वरना बाकी तो आपको कोई नहीं मिलेंगे। अफगानिस्तान उठा लो, अफगानिस्तान में बुद्धा के स्टैचूस होते थे, दैट वाज अ बुद्धिस्ट कंट्री, यू नो, सो दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड सारी जगह पे। पाकिस्तान में अभी मैंने रिसेंटली कवर किया था, एक दो साल पहले की न्यूज है कि बुद्धा का कोई स्टैचू निकला था, कितना पुराना था पता ही नहीं करा उसको, वहां पे वो पागल एक पठान था वो हथौड़ी से तोड़े जा रहा था। तो ये चीजें हमें आज की तो नहीं है ना, ये आप हिस्ट्री में जब जाओगे तो आपको वो दिखा पड़ेगा। आप इंडिया की ही एग्जाम्पल ले लो, कितने आपके मंदिर तोड़कर उस पर मस्जिदें बनाई गई हैं, अब तो वो दिख रहा है ना सबको, तो क्या ये तोड़फोड़ पहले नहीं करते थे? आई डोंट थिंक ये एक्सट्रीमिज्म अभी से आया है, आई थिंक इस एक्सट्रीमिज्म की वेव्स रही होंगी बैक इन द डेज या हिस्ट्री में, आई एम जस्ट गेसिंग, मुझे नहीं पता, बट दिखता तो मुझको यही है, क्योंकि अगर ये नहीं होता, और वो टेक ओवर हर तरह से डिफरेंट तरीके से किया है उन्होंने, राइट? उस जमाने में डिफरेंट तरीके से टेक ओवर किया जाता था, इस जमाने में जरा डिफरेंट तरीके से टेक ओवर है, मगर टेक्निक इनकी वही होती है कि नई कंट्री में पहुंचो बड़े प्यार से, राइट? यानी इसी तरह से वहां पे भी ट्रेडर्स बन के गए और जाकर कब्जा कर लिया, ऐसा ऐसा करके अपनी इनकी तबलीग नहीं रुकी है, राइट? सो दे आर डूइंग इट द सेम वे, अब यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज में भी यही कर रहे हैं, इनका वो दावा जो सिस्टम चल रहा है वो वही चल रहा है, उसी तरीके से तलवारें लेके नहीं आ रहे, बट दे आर डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे।
तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, मगर वही मैं कह रही हूँ कि जितनी भी मुसलमान कंट्रीज हैं, आई होप कि वो सेक्युलरिज्म की तरफ जाएं, एटलीस्ट अपनी जो गवर्नमेंट्स हैं उनमें से अगर ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को निकाल के साइड पे रख दें और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उस पर चलाएं, आप अपने रूल्स रखें, अपने लॉज रखें, ये जो एक्सट्रीमिज्म है इसको खत्म करें और ये जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है इनको खत्म करें। सबसे पहले तो पाकिस्तान से नाता तोड़ दो, पाकिस्तान से तो नाता ही तोड़ दो, उसको उस कंट्री को उसके हाल पे छोड़ दो, सीरियसली उसको छोड़ दो सब लोग, जब तक उस कंट्री को बिल्कुल भूखा, आई एम सॉरी टू से, और इसमें काफी सारे इनोसेंट लोगों को तकलीफ उठानी पड़ेगी मगर उनको छोड़ना पड़ेगा, वरना आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने सारी जगह गन डाल दें, सऊदी अरब को देखो ना, उन लोगों ने तो गंद डाल दिया, अब जाकर सेंसिबल वहां एक बंदा आया है, विच आई एम ऑल्सो शेडी अबाउट हिम, मुझे भी इसका नहीं अभी समझ में आया है कि ये कर तो रहा है मगर इसके पीछे भी शायद कुछ हो सकती है बात, आई डोंट नो क्या है उसे, आई एम ऑलवेज डाउटफुल। मैं लोगों पे ट्रस्ट वैसे ही नहीं करती हूँ, मुझे भरोसा वैसे ही नहीं होता है लोगों पे, इसके पीछे भी कोई ना कोई मसलियत होगी, आई डोंट नो, मे बी ही इज लेजिट, हु नोस। मगर सऊदी अरब ने पहले जो गंद डाला है जो बीज हुआ है दूसरी जगहों पे, वो तो देखो ना वहां क्या हो रहा है, ये सारे जो इनके मदरसे जो उन्होंने खोले और जो टैक्स जिन्होंने पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट किया, पूरी दुनिया में जो वहाबियों ने जो हरकत की है और जो टेररिज्म फैलाया है, इट्स जस्ट रिडिकुलस, वो तो सबके सामने ही है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। इंडिया से पंगा लेना ठीक नहीं है क्योंकि आई कैन टोटली सी कि इंडिया से इतना करीब है तो काफी लोग वहां जाते हैं, जो यहाँ हमारे लिए जमैका और दूसरी जो कंट्री जगहें हैं वहां पर हम जाते हैं, क्यूबा हो गया, यू नो वी कैन गो विजिट देयर, इट्स क्लोजर टू अस। इसी तरह से मालदीव्स आप लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, यू नो वर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, इट्स क्लोजर टू यू, सो इट ब्रिंग्स, एंड इंडियंस डू ब्रिंग अ लॉट ऑफ टूरिज्म अप देयर। तो अगर आप करोगे और इंडियंस बायकॉट करेंगे तो फील तो होगा आपको, राइट? तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या भरोसा करना चाहिए इन पे। आई डोंट नो, मैंने ये देखा ही नहीं कि इनकी, इन्होंने कहा वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो मुझे भी गवर्नमेंट के बारे में इतना पता नहीं है, आई डोंट नो कि क्या होगा आगे जाके, मगर अगर ये लोग स्मार्ट होंगे तो इंडिया से पंगा ना लें, और अपने आप को अगर मजबूत बनाना है आपने तो इंडिया के साथ चले, एंड यू नो यू शुड बी टॉकिंग अगेंस्ट टेररिज्म। एनीवेज गाइस, मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपके क्या थॉट्स हैं मालदीव्स के बारे में, व्हाट डिड यू थिंक, आप क्या समझ रहे थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, वहां शराब की नदियां बह रही हैं या वहां पर आपके हाथ जो है वो कांटे जा रहे हैं। तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप ऑल्सो यहाँ के मेंबर भी बन सकते हैं, मैं आपको इनकरेज करूंगी कि हमारे यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन लीजिए, मेंबरशिप लीजिए, इसके अलावा आप पेट्रियन, पेपल, ओनली फैंस और जो यहाँ पर UPI है उसके थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। जाते जाते मैं क्या बोलूँ अब, मेरा तो आज जो है, एनीवेज गाइस आज का वीडियो यहीं तक के लिए है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।